A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm just going to teach you part number two of your chapter name, Silk Road. So my dear student, before we proceed, let us understand whatever we have studied in part number one. So, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस chapter का नाम Silk Road ही क्यों रखा गया? See, ये जब अगर मैं बात करता एंशियंट चाइना की तो चाइना के अंदर सिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता था एंड ईस्ट को वेस्टर्न के साथ कनेक्ट करने के लिए एक रोड तैयार किया गया, एक ट्रेडिंग रोड जिसके थ्रू मतलब क्या होता था, बिजनेस होता था. किसका बिजनेस होता था? सिल्क का बिजनेस होता था. तो इस वजह से उसको किस नाम से बोला जाता है? सिल्क रोड के नाम से जाना जाता है. नाउ The main character of this particular chapter is, or writer of this particular chapter is Nick Middleton. और इस particular chapter के जो writer हैं वो हैं Nick Middleton. He is the writer as well as main character of this particular chapter. तो Nick Middleton क्या करते हैं? Nick Middleton को मतलब एक इच्छा होती है, उसकी wish होती है, वो एक journey करना चाहता था. किसकी? Mount Kailash की. अब ये Mount Kailash कहाँ पे situate करता है? देखो Mount Kailash जो है तिब्बत और जो चाइना की जो बाउंड्री है उसके मतलब आपस में मतलब उसके बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर माउंट कैलाश है, राइट? तो माउंट कैलाश एक रिलीजियस प्लेस माना जाता है जहां पर कोरा किया जाता है. अब कोरा क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा हिंदू धर्म के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टेम्पल या सेक्रेट प्लेस जो होता है, पवित्र जगह जो होती है, उसके परिक्रमा करते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो उसको बोला जाता कोरा. तो यहाँ पे जो निक मिडिलटन है, he is willing to do कोरा of that माउंट कैलाश. और वो क्या करना चाहते हैं? निक मिडिलटन वो कोरा करना चाहते हैं. किसका कोरा करना चाहते हैं? वो जो माउंट कैलाश है उसका वो कोरा करना चाहते हैं. एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड टू गो टू आर जर्नी डिसाइडेड टू गो फॉर अ रिलीजियस जर्नी जिसको आप पिलग्रिमेज बोलते हैं. पिलग्रिमेज का मतलब होता है जब आप एक रिलीजियस ट्रेवल के लिए या जर्नी के लिए जाते हैं उसको आप बोल देते हैं, उसको पिलग्रिमेज बोलते हैं. तो यहाँ पर निक मिडिलटन क्या करते हैं, वो माउंट कैलाश का कोरा करने के लिए जाना चाहते हैं. और बीच में उसको अभी डेनियल हो गया, ठीक है, सैटर्न हो गया. सैटर्न उसका ड्राइवर होता है. अब सैटर्न क्या करता है, उनको शॉर्टकट तरीके से लेकर जाता है. एंड वाइल दे वर गोइंग ऑन द Uphill, they had to face lot of challenges. अब जब सैटर्न उनको मतलब पहाड़ियों के रास्ते से लेके जा रहा था, शॉर्टकट रास्ते से लेके जा रहा था, so they had to face lot of problem. अब उनको बहुत सारे challenges का सामना करना पड़ता है क्योंकि नीचे वैली होती है, ऊपर bumpier road होता है, बर्फ से ढका हुआ होता है. And finally, अब वो कहाँ पर आ चुके हैं? वो एक ऐसी hill के ऊपर आ चुके हैं, एक ऐसी पहाड़ी के ऊपर आ चुके हैं जहां पर encrusted snow है. स्नो का मतलब हो गया यहाँ पर बर्फ जमी हुई है. एंड दैट हैज बिकम क्वाइट स्लिपरी. वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा स्लिपरी है बिकॉज ऑफ द स्नो, क्योंकि जो स्नो है वो इनक्रस्टेड हो चुकी है, वो जम चुकी है. अब जिसकी वजह से वो उसके ऊपर से सैटर्न उसके ऊपर से अपनी गाड़ी नहीं चला सकता है. रीजन वाई दे मे फॉल इन टू द वैली, हो सकता है स्लिप करके वो वैली के अंदर गिर जाए. एंड दैट इज वाई दे केम आउट. अब क्या करता है, सबसे पहले तो सैटर्न बाहर आता है, सैटर्न देखता है, उसके बाद डेनियल भी बाहर आता है चेक करने के लिए क्या प्रॉब्लम है. सो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है कि अब जो ऑथर है निक मिडिलटन अलोंग विद डेनियल एंड सैटर्न जो ड्राइवर है, दे हैव कम टू ए प्लेस, मतलब एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां पर अभी जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा स्लिपरी है बिकॉज दे कैन नॉट मूव फर्दर बिकॉज दे मे फॉल इन टू द वैली, क्योंकि वो स्लिप होकर उनकी गाड़ी वैली के अंदर गिर सकती है. सो दैट इज वाई वो अभी फिलहाल ऐसी पोजीशन में है. नाउ लेट अस स्टार्ट पार्ट नंबर टू. अब हम कंटिन्यू करते पार्ट नंबर टू को. देखिए पार्ट नंबर टू में देखते हैं हम अब फ्लो पार्ट नंबर टू का. गिव मी वन सेकेंड बेटा. यस दिस इज पार्ट नंबर टू. अश्वेत, देखो श्वेत का मतलब हो गया एक तरीके से स्ट्रीक बोल सकते हो, एक लाइन बोल सकते हो, पीछे जो लाइन बन जाती है स्ट्रीक बोल सकते हो इसको. अश्वेत ऑफ द वाइट स्टफ. अब ये वाइट स्टफ किसके लिए बोला गया है? स्नो के लिए बोला गया है. जैसे जैसे उनकी गाड़ी क्या कर रही थी, आगे जा रही थी, जैसे जैसे गाड़ी उनकी आगे जा रही थी तो पीछे वो एक स्ट्रीक बन रही थी, एक लाइन जो बन रही थी वो किसकी बन रही थी? वो लाइन बर्फ की बनी हुई थी. देखो अश्वेत द वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक.
ट्रैक का मतलब क्या हो गया, ट्रैक हो गया जो रास्ता था उसके दोनों तरफ अगर बात की जाए तो क्या बनी हुई थी, लाइन बनी हुई थी किसकी, व्हाइट स्टफ, जो वहां पर स्नो था उसके दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ क्या थी, बर्फ जमी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ अस, अब हमारे सामने बहुत सारी बर्फ थी क्योंकि वो रास्ते में जा रहे थे तो उनके सामने बर्फ जमी हुई थी। अब स्ट्रेचिंग फॉर मे बी, स्ट्रेचिंग का मतलब फैलाव होना, स्प्रेडिंग होना, फैली हुई होना। मे बी 15 मीटर्स बिफोर, हो सकता 15 मीटर तक जो बर्फ थी वो हमारे सामने फैली हुई थी। बिफोर आई पैटर्ड आउट, बिफोर इट पैटर्ड, पैटर्ड का मतलब डिमिनिश होना, कम होना। बिफोर इट पैटर्ड आउट, पैटर्ड का मतलब होता कम होना, डिमिनिश होना। एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, और उसके सामने क्या होता है, अभी क्या था, जैसे मतलब वो धीरे धीरे आगे जा रहे थे तो उनके सामने क्या होता है, एक बर्फ का एक रास्ता आता है जो कि 15 मीटर्स लंबा होता है। और उसके बाद बिफोर इट पियर्ड आउट, पियर्ड आउट का मतलब इससे पहले कि वो खत्म होता, क्या जो 15 मीटर का जो बर्फ का जो रास्ता था, ट्रैक था, वो खत्म होता। द डर्ट ट्रेल, ट्रेल का मतलब फिर यहाँ पर रास्ता हो गया, रीअपियर्ड यानी अब वो क्या थे, बर्फ का जो 15 मीटर का जो रास्ता था उन्होंने पार करके अब वो दोबारा से कहां पर आ गए थे, वो ट्रेल वाले रास्ते पर आ गए थे। द स्नो कंटिन्यूड ऑन द ईदर साइड ऑफ अस, अब जो स्नो था यानी बर्फ वाली थी, जो थी बर्फ थी वो दोनों साइड थी, मतलब जिस रास्ते से वो जा रहे थे दोनों तरफ उनको बर्फ दिखाई पड़ रही थी। स्मूदिंग द अब्रप्ट बैंक, स्मूदिंग मतलब क्योंकि बर्फ की वजह से, ये अब्रप्ट का मतलब सडनली, बैंक का मतलब इकट्ठा हो जाना, तो मतलब जो बर्फ इकट्ठे होने की वजह से जो रास्ता था वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुका था। एंड ऑन द अप होल साइड, अप स्लोप साइड कौन सा होता है, अप स्लोप साइड हो गया जो हिल वाला साइड था, जहां पर मतलब जो पहाड़ी वाला जो साइड था वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ इकट्ठा हो गई थी। द बैंक वॉज टू स्टीप, और जो मतलब बैंक, द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल, और मतलब जो बैंक की अगर बात करें, किनारा, जिस किनारे पर उनकी जो गाड़ी चल रही थी वो जो रास्ता था वो बहुत ज्यादा स्टीप था, बहुत ज्यादा शार्प था। आर व्हीकल टू स्केल, मतलब उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना, स्केल का मतलब चढ़ना, वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टीप रास्ता था। देखो एक तो पहाड़ी ऐसी होती है जिसमें मतलब ढलान थोड़ा जेंटल होता है, इस तरीके से होता है, लेकिन एक पहाड़ी ऐसी होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जिसके अंदर ढलान मतलब जो ऊपर होता है, तो उसको चढ़ना बड़ा मुश्किल था। तो क्योंकि वो जो स्लोप था थोड़ा स्टीप था तो इस वजह से उनकी गाड़ी चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती उनको। देयर वाज आल्सो नो वे राउंड द स्नो पैच, देयर वाज आल्सो नो वे राउंड द स्नो पैच, और वहां पे स्नो पैच का मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े थे, और उसके अलावा उनको कोई दूसरा रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई ज्वाइन डैनियल, अब यहाँ पर मतलब क्या है, आई ज्वाइन डैनियल, तो आई ज्वाइन डैनियल एंड सेट एंड स्टेप्ड ऑन टू द इनक्रस्ट हिल, अब पहले क्या था, सबसे पहले कौन बाहर निकला था, सेटन, सबसे पहले सेटन जो कि ड्राइवर था वो बाहर निकला, और उसके बाद आई ज्वाइन डैनियल, और उस मतलब फिर मैं डैनियल के साथ मैं भी बाहर निकल गया। कौन, यहाँ पर जो राइटर है निक मिडलटन, वो भी बाहर निकलता है, पहले सबसे पहले सैटर्न निकलता है जो कि ड्राइवर, वो चेक करने के लिए कि आगे का रास्ता ठीक है नहीं ठीक है, फिर वो डैनियल निकलता है, डैनियल के साथ जो राइटर होता है वो भी बाहर निकलता है। ऑन टू इनक्रस्टेड, इनक्रस्टेड का मतलब जमा हुआ, ओके, फ्रोजन स्नो, एंड बिगेन टू स्लिदर, स्लिदर का मतलब था क्रॉल करना, रेंगना, जैसे आपने स्नेक देखा होगा रेंगता हुआ, ऐसे रेंगता है, स्लिदर बोलते हैं उसको, क्रॉल करना। एंड स्लाइड फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे गया। एंड स्टैम्पिंग हिज फुट, स्टैम्पिंग का मतलब पटकना, हिज फुट, अब वो जो था क्या नाम है, जो सैटर्न था वो क्या कर रहा था, सैटर्न थोड़ा सा आगे रेंगते हुए वो आगे जाता है, और जो इनक्रस्टेड स्नो होता है मतलब जो बर्फ होती है जो कि जमी हुई होती है, वो उसको चेक करने के लिए आगे बढ़ता है कि क्या ये जो बर्फ है वो इनक्रस्टेड है, वो जमी हुई है या स्लिपरी है नहीं है, वो स्टाम्प करके उसके ऊपर पैर पटक कर उसको चेक करता है टाइम टू टाइम, बीच बीच में। टू अनसर्टेन, इस बात को निश्चित करना, अनसर्टेन का मतलब टू इंश्योर, इस बात को निश्चित करना। हाउ स्टडी, स्टडी का मतलब हो गया हाउ हार्ड इट वॉज, मतलब ये जो बर्फ है वो कितनी कठोर है, सख्त है या नहीं है। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, यहाँ पे ऑथर बोलता है मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। वी वर एट 5,210 मीटर्स अबव द सी लेवल, और हम समुद्र के जो लेवल थे उससे 5,210 मीटर ऊंचाई पर थे, यानी वो जिस भी पहाड़ी के ऊपर या जिस भी हिल के ऊपर फिलहाल वो थे उसकी ऊंचाई 5,200
5,210 मीटर थी समुद्र के जो लेवल होता उससे। द स्नो डिड नॉट लुक सो डीप टू मी, हालांकि जो द स्नो डिड नॉट लुक सो डीप टू मी, यहाँ पर ऑथर को लगता है जो स्नो थी वो बहुत ज्यादा डीप तो नहीं थी, बट द डेंजर वॉज इन इट्स डेप्थ, लेकिन जो स्नो था वो इतना बड़ा डेंजर नहीं था, उसकी गहराई इतना बड़ा डेंजर नहीं था हमारे लिए कि मतलब बर्फ इतनी गहरी नहीं है, ये हमारे लिए बड़ा डेंजर नहीं था। डेनियल से डेनियल बोलता है क्या, डेनियल बोलता है सो मच एज इट्स आईसी कैप इस आईसी टॉप लेयर, क्योंकि ये जो बर्फ ये जमी हुई है इसका जो लेयर है इसकी जो परत है इसका जो सरफेस है, इफ वी स्लिप ऑफ, अगर हम इससे स्लिप ऑफ यानी फिसल गई द कार, अगर हमारी कार इस सरफेस के ऊपर से फिसल जाती है कुड टर्न ओवर, ये पलट सकती है। एंड ही सजेस्टेड एज वी सो सर्टेन ग्रैब हैंडफुल्स ऑफ डर्ट, अब यहाँ पे मतलब क्या होता है यहाँ पे जब डेनियल बताता है कि मतलब सबसे बड़ा जो खतरा क्या था, क्योंकि जो उसका लेयर था किसका, जो अभी जो आगे रास्ता था जो बर्फ जम चुकी थी वो जो लेयर था वो क्या था, वो सख्त था, वो स्लिपरी था, हो सकता था उनकी कार पलट सकती थी, गिर सकती थी, खाई के अंदर गिर सकती थी। ही सजेस्टेड, अब यहाँ पे डेनियल सजेस्ट करता है, ही सजेस्टेड एज वी सो, और उसी टाइम देखता है कौन, वी सो सैटर्न, जिस टाइम हम बात कर रहे थे यानी डेनियल और राइटर जब बात कर रहे थे तो उसी टाइम देखता है कि सैटर्न के ग्रैब का मतलब पकड़ना होता है, कलेक्टिव हैंडफुल्स मुट्ठी भर, डर्ट का मतलब यहाँ पे मिट्टी हो गया, फ्लिंग का मतलब फेंकना, देन अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, जो जमा हुआ सरफेस था जो बर्फ वाला जो सरफेस था उसके ऊपर वो क्या करता है कुछ मिट्टी फेंक देता है, जिससे कि जो स्लिपरी एक स्लिपरीनेस होता है किसका, जो फ्रोजन जो स्नो था उसका जो स्लिपरीनेस था, फिसलने वाला जो एक स्लिपरीपन था उसका, वो खत्म हो जाता है डर्ट की वजह से, मिट्टी की वजह से। तो यानी सैटर्न क्या करता है जो स्लिपरी सरफेस होता है उसके ऊपर मिट्टी फेंकने लग जाता है, जिससे जैसे गाड़ी आगे जाएगी तो स्लिप नहीं करेगी। वी बोथ पीस्ड इन एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल, वी पीस्ड इन का मतलब अंदर बैठना, we both pieced in and when the snow was spread with soil daniel and i stayed out sorry we both pieced in hum baat karte rahe we both pieced in and when the snow was spread with soil daniel and i stayed out of the vehicle to the lighten the satan's lord, abhi tak wo kya kar rahe the wo baat kar rahe the lekin uske baad kya kiya unhone wo bahar aa jate ki jisse ki jo vehicle hota hai uske weight ko light kiya ja sake satan ke liye, and he backed up draw towards the dirty snow, और उसके बाद मतलब जो सैटर्न है उसने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया कहां पर, जो डर्टी स्नो था मतलब जहां पर उसने मिट्टी फेंकी थी, जहां पर जहां से उनकी जो गाड़ी थी वो स्लिप ना करे, तो उसी रास्ते पे सैटर्न ने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। एंड ईज द कार ऑन इट्स आईसी सर्फेस, ईज का मतलब रिलैक्स्ड द कार ऑन टू द आईसी सर्फेस, और जो स्लिपरी सर्फेस था उसके ऊपर उसने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया, किसने, सैटर्न ने। एंड स्लोली ड्रॉ अस टू द लेंथ विदाउट अपेरेंट डिफिकल्टी, ड्रोव का मतलब चलाना, लेंथ विदाउट अपरेंट, अपरेंट का मतलब विजिबल, डिफिकल्टी का मतलब दिक्कत, यानी उनको वो जो एक स्लिपरी जो सरफेस था जो फ्रोजन सरफेस था उन्होंने मिट्टी उसके ऊपर फेंक का मतलब वो गाड़ी को आगे चलाते हैं तो फाइनली विदाउट एनी डिफिकल्टी वो उस रास्ते को पार कर लेते हैं। 10 minutes later, 10 minutes के बाद We stopped at another blockage. 10 minutes के बाद उनको फिर एक दूसरी ब्लॉकेज का मतलब यहाँ पर बैरियर कह सकते हो, दिक्कत कह सकते हो, तो वहां पर उनको दूसरी एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उनके सामने एक दूसरा प्रॉब्लम आके खड़ा हो जाता है। नॉट गुड सर, यहाँ पर मतलब सैटर्न बोलता है कि सर अच्छी बात नहीं है, नॉट गुड सर, ये अच्छी बात नहीं है। सैटर्न अनाउंस, सैटर्न बोलता है एज ही जंप्ड आउट अगेन टू सर्वे, सर्वे का मतलब एग्जामिन करना, चेक करना, और सैटर्न क्या करता है फिर दोबारा से गाड़ी से निकलता है और इस बात को चेक करने के लिए, द सीन मतलब ये जो बाहर का सीन है उसको चेक करने के लिए सैटर्न बाहर आता है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो, राउंड द स्नो मतलब पहले तो क्या करता है सीधा चल रहा था, लेकिन अब राउंड द स्नो मतलब जो ये स्नो हो गया, राइट, ये स्नो हो गया तो सीधा जाने की बजाय वो राउंड द स्नो चारों तरफ चक्कर काट के मतलब वो जाएगा, यानी सीधे जाने की बजाय वो जो बर्फ है उसके राउंड उसके चक्कर लगाकर वो जाने की बात करता है, क्योंकि सीधा जाना मुश्किल था। राउंड द स्नो द स्लोप वॉज स्टीप, क्योंकि जो ढलान था वो बहुत ज्यादा स्टीप था, शार्प था। एंड स्टड का मतलब फील्ड, स्टड का मतलब फील्ड होता है भरा हुआ विद मेजर रॉक्स, और बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। बट सम हाउ सैटर्न नेगोशिएटेड,
नेगोशिएटेड का मतलब बातचीत करना वैसे होता है, यहाँ पर मैनेज करना हो गया, लेकिन सैटर्न ने मैनेज किया किसी भी तरीके से उन सभी पत्थर के साथ, मेजर रॉक्स के साथ जो स्टीप था उनके साथ सैटर्न ने किसी भी तरीके से मैनेज किया। एंड इज फोर व्हील ड्राइव, यानी जिस गाड़ी को वो चला रहा था व्हीकल को, लर्चिंग का मतलब स्वे करना, स्विंग क्या होता है लहराना, और उसकी जो गाड़ी थी वो बार बार लहरा रही थी, फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल एक प्रॉब्लम से टू द नेक्स्ट, मतलब उसकी गाड़ी अब लहराती हुई, एक कभी तो एक ऑब्स्टेकल आ जाता उसके सामने, कभी एक दिक्कत आ जाती, कभी दूसरी दिक्कत आ जाती, तो उसकी गाड़ी क्या कर रही थी, लहरा रही थी कभी एक साइड कभी दूसरी साइड। इन डूइंग सो, ऐसा करने के दौरान, इन डूइंग सो ही कट ऑफ वन ऑफ हिज हेयरपिन बैंड्स। अब जो हेयरपिन बैंड्स क्या होता है, देखो यू टर्न होता है, जो यू टर्न होता है इस तरीके से होता है, हेयरपिन बैंड यू टर्न होता है जो उसको बोलते हैं, और उसी वक्त उसने क्या किया, एक यू टर्न लिया रिगार्डिंग द ट्रेल रास्ता हो गया, फर्दर विद द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्टेड का मतलब यहाँ पर, वैसे ड्रिफ्ट का मतलब किसी चीज का गिरना होता है, मतलब यहाँ पर सैटर्न क्या करता है, उसने एक यू टर्न लिया उस रास्ते की तरफ जहां पर बर्फ नहीं गिरी हुई थी। आई चेक माई वॉच, यहाँ पर ऑथर क्या करता है, अपनी वॉच को फिर चेक करता है, अगेन एज वी कॉन्टिन्यू टू क्लाइम अप इन द ब्राइट सनशाइन। अब वो क्या कर रहे थे, अब मतलब एक ऐसा मतलब एरिया आ गया था जहां पर सूरज चमक रहा था और हम ऊपर की तरफ क्लाइम कर रहे थे। वी क्रैक्ड, क्रैक का मतलब रेंगना हो गया, पास्ट 5400 मीटर्स, और वो कम से कम 5400 मीटर मतलब ऊंचाई पर चढ़ चुके थे। सॉरी, एंड माई हार्ट बिगेन टू थ्रॉब, थ्रॉब का मतलब यहां पर हो गया मतलब धड़कने के सेंस में हो गया, यहाँ पे हेडेक, सर में मतलब क्या होता है, जनरली आपके जो ये वेन्स होती है वो क्या करने लग जाती है, वो फड़कने लग जाती है, उसको थ्रॉबिंग बोलते हैं। हॉरिबली का मतलब है बैडली, क्योंकि जब क्या होता है, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप, हमारे जो सर है वो दुखने लग जाते हैं, कई लोगों को मतलब अनकॉन्शियस फील करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑथर है उसको, उसका जो है, उसका सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। I took gulps. Gulps का मतलब होता है यहाँ पे swallow करना. From my water bottle. तो क्या करता है? एक gulp का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पानी को गिटकना, पानी को swallow करना. तो यहाँ पर author क्या करता है? पानी को निगल जाता, पानी को लेता है अपनी बॉटल से, which is supposed to help a rapid ascent. रैपिड का मतलब शार्प हो गया, एसेंट का मतलब चढ़ाई होगा। तो क्योंकि अभी उसको क्या कर रहा था, उसका जो है, उसको सर थ्रोबिंग कर रहा था, उसका सिर था वो क्या कर रहा था, मतलब दर्द कर रहा था, और वो थोड़ा सा अनइजी फील कर रहा था, तो इस वजह से उसने पानी पिया, जिससे कि आगे की जो चढ़ाई है वो थोड़ा उसको अच्छे तरीके से कर पाए। एंड वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ पास 5515 मीटर। अभी वो 5400 मीटर पे थे, आगे वो चढ़ जाते हैं 515 मीटर पे, मगर फाइनली वो ऊपर ऊंचाई पर चढ़ गए थे अब। एंड इट वॉज मार्क्ड बाय द लार्ज केन ऑफ रॉक्स। देखो केन्स का मतलब यहाँ पर हो गया पाइल्स का मतलब, यहाँ पर पाइल का मतलब क्या होता है, ढेरी, रॉक्स का मतलब पत्थर हो गया। तो फाइनली मतलब वो एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर पत्थरों की ढेरी होती है। फेस्टून का मतलब यहाँ पे बांधे हुए होना, फेस्टून का मतलब यहाँ पे टाइड कह सकते, बांधे हुए होना। Festooned with wild silk scarves. Scarves का मतलब यहाँ पे दुपट्टा टाइप कह सकते हो, चुन्नी कह सकते हो, scarves, and raised prayer flags. अब जनरली अगर आपने देखा होगा यहाँ पर raised का मतलब यहाँ पर full of prayer flags. अब यहाँ पे क्या था, देखो जैसे जैसे मतलब आगे पहुंचते 5515 की मीटर की जब पहुंचते हैं तो आगे उनको क्या दिखाई पड़ता है, एक पाइल ऑफ रॉक्स, वहां पर पत्थरों की एक ढेरी होती है। और जनरली आप कहीं भी किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हो तो वहां पर कोई ना कोई एक ऐसा बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है, बीच में एक ऐसी जगह आती है जहां से आपको डायरेक्शन चेंज करनी होती है, और रिलीजियस के नाम पर वहां पर कुछ चुन्नी वगैरह बांध दी जाती है या फ्लैग्स वगैरह बांध दिए जाते हैं। तो वो ऐसी जगह मिलती है, अगर आप वैष्णो देवी भी गए हैं तो वहां पे कैसे मिलेगा आपको, रास्ते में 20 छोटी छोटी जगह ऐसी मिलती है जहां पर फ्लैग्स भी बंधे होते हैं, चुन्नी वगैरह बंधी होती है। तो इस तरह का एक पाइल ऑफ स्टोन्स वहां पर पत्थरों की ढेरी रास्ते में मिलती है, जो कि इस बात का इशारा था कि आगे रास्ता टर्न हो रहा है, आगे किस डायरेक्शन में जाना है, तो इस चीज को वो बता रहा था। We all took a turn round the cairn, मतलब जो पत्थरों की जो ढेरी थी उसके आसपास से हमने क्या किया, turn
राउंड, हमने चक्कर लगाया इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब जो पत्थरों की ढेरी थी ऐसे रिलीजियस, अगर रिचुअल की बात करें, रिचुअल क्या हो गया, हमारी जो रीति रिवाज है उसके तहत उन्होंने उसका चारों तरफ क्या की, एक परिक्रमा की एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो क्लॉक चलते उस तरीके से उन्होंने परिक्रमा की उसकी, एज इट इज द ट्रेडिशन, जैसे कि वहां की मान्यता थी, ये रीति रिवाज था। एंड सैटर्न चेक द टायर्स ऑन द व्हीकल, और सैटर्न क्या करता है, जो कार होते उसके टायर्स को चेक करता है। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, पार्शली अनस्क्रूड ऑफ द टॉप, और वो फाइनली क्या करता है, पेट्रोल पंप जहां पर पेट्रोल टैंक होता है वहां पर जाके चेक करता है, जो उसका जो ढक्कन होता है, अनस्क्रू का मतलब रिमूव होना या खुल जाना, और जहां पर जो पेट्रोल टैंक था, जहां पर गाड़ी का जो पेट्रोल टैंक था उसका जो एक टॉप था, उसका जो लीड था, उसका जो ढक्कन था जिससे वो टैंक को बंद किया जाता है, वो अनस्क्रू था, अनस्क्रू का मतलब खुला हुआ था। Which emitted a loud hiss. Emit का मतलब रिलीज करना, और जैसे ही सैटर्न उसको खोलता है, किसको, उसको टॉप को, सॉरी अनस्क्रूड का मतलब खोलना है, अनस्क्रू का मतलब खोलना, जैसे ही वो मतलब क्या करता है, उस पेट्रोल टैंक का जो लीड होता है उसको अनस्क्रू करता है, उसको खोलता है, इमिटेड, इमिटेड का मतलब रिलीज, लाउड हिस, तो वो जैसे ही मतलब उस पेट्रोल टैंक के वो खोलता है तो वहां से क्या आती है, इमिट, इमिट का मतलब रिलीज होना, एक लाउड हिस, एक अजीब सी आवाज आती है, हिसिंग मतलब क्या होता है, वैसे हिसिंग साउंड जैसे स्नेक करता है उस तरीके से एक आवाज आती है। द लोअर एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि मतलब जो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, जो एटमोस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाता है, वॉज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, जिसकी वजह से जो फ्यूल होता है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, मतलब ये जब लो एटमोस्फेयर पे जाओगे तो जो पेट्रोल वगैरह जो फ्यूल होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, एंड इट्स आउट इट डेंजरस टू मी, और जैसे मतलब सैटर्न क्या करता है, उसको खोलता है ना, उसको पेट्रोल टैंक को खोलता है, तो उसका जो साउंड है वो मुझे बड़ा खतरनाक सा लगा। मे बी सर सैटर्न लाफ बट नॉट स्मोकिंग, यहाँ पर मतलब सैटर्न मजाक करते ऑथर को बोलता है कि सर कोई आग वाग नहीं लगी है, सिर्फ धुआं ही है, कुछ और नहीं है, मतलब जो आवाज आती नहीं, क्योंकि हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो जो फ्यूल था वो आवाज क्रिएट कर रहा था, तो जब उसने खोला तो आवाज हिसिंग साउंड आती है, मैं डर गया कहीं आग वाग ना लग गई हो, लेकिन सैटर्न बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है। My headache soon cleared. अब जो उसको सर दर्द हो रहा था, किसको, ऑथर को जो सर दर्द हो रहा था वो ठीक हो गया था, क्लियर, एज वी करियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास, करियर डाउन का मतलब मूव्ड अहेड शार्पली, मतलब आगे आगे की तरफ तेजी से बढ़ना, मेरा मतलब मेरा जो सर दर्द था वो ठीक हो गया, जैसे हम आगे बढ़े, द अदर साइड ऑफ द पास, मतलब जिस पहाड़ी को पास कर रहे थे, जिस पहाड़ी से गुजर रहे थे, हम जल्दी से आगे बढ़े। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम, अभी तक 2 बज चुके थे, एंड वी स्टॉप फॉर लंच, और हम क्या करते हैं, लंच के लिए रुकते हैं। वी एट हॉट नूडल्स, हमने नूडल्स खाए इन साइड ए लॉन्ग कैनवस टेंट, कैनवस क्या होता है, तिरपाल का बना हुआ टेंट, मतलब यहाँ पे कह सकते हो एक तिरपाल का बना हुआ एक कैबिन टाइप था, वहां पर उन्होंने क्या किया, नूडल्स खाए, and the part of a work camp erected beside the dry salt lake, और मतलब जो ये जो canvas tent था वो कहाँ का था, जो work camp, काम करने वाले जो camp था, erected करना, खड़े करना, beside साथ में a dry salt lake, जो एक salt lake थी, वहाँ पर नमक की एक lake थी, उसके पास में एक tent लगा हुआ था, उस tent में हमने क्या किया, hot noodles हमने खाए। the plateau, plateau का मतलब plain area कहते हो, the plateau प्लेन एरिया इज पॉकमार्क्ड, पॉकमार्क क्या होता है, जैसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, छोटे छोटे निशान हो जाते हैं, राइट, उसको पॉकमार्क बोलते हैं, जैसे छोटे छोटे मार्क हो जाना, जो पूरा पूरा जो प्लेटू था, जो प्लेन ग्राउंड था वो क्या था, उसमें छोटे छोटे मार्क बने हुए थे विद द सॉल्ट फ्लैट्स, क्योंकि सॉल्ट फ्लैट्स का मतलब यहाँ पर हो गया, मतलब जो नमक के जो निशान बने हुए थे, ब्रैकिश लेक्स का मतलब यहाँ पे जो नमकीन पानी की जो लेक्स थी उसकी वजह से जो सरफेस था वहां पर, तो वहां पर नमक के जो छोटे छोटे निशान बन जाते, उस तरह के निशान उस सरफेस के ऊपर बने हुए थे। वेस्टिजेस का मतलब था रिमेनिंग ऑफ द टैथिसी, अब टैथिसी विच बॉर्डर्ड द तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कॉलिजन दैट लिफ्टेड इट्स स्काईवर्ड। अब ये जो है ये जियोग्राफिकल है, इसको मैं समझाना चाहूंगा, देखो गोंडवाना एक पहले क्या होता था, पूरा का पूरा ये जो पूरा का पूरा ये ग्लोब था, पूरी दुनिया थी,
वो एक ग्लोब की तरह थी, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनिक ये जो इन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, तो ये क्या होता है, जो गोंडवाना ये कॉन्टिनेंट था वो टूट जाता है। टूटने की वजह से ये जो गोंडवाना जो ये जो एक गोंडवाना जो पूरा का पूरा एक क्या था, एक कॉन्टिनेंट था, ये टूटने की वजह से जो टेथिस ओशियन था, टेथिस ओशियन क्या हो गया, यहाँ पर एक तरह की लेक थी, एक टेथिस ओशियन था विच बॉर्डर द तिब्बत बिफोर, जो कि मतलब यहाँ पे मैं आपको ज्योग्राफी के पर्पज से अगर समझाना चाहूँ तो जिस टाइम ये पूरा पहले क्या होता था, ज्योग्राफिकली ये पूरा दुनिया, ये जो पूरी दुनिया थी वो गोल थी, लेकिन जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स हुए और मतलब अर्थक्वेक आए जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी की पूरी दुनिया ये कॉन्टिनेंट्स में बट गई, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में चले गई। तो उस टाइम मतलब ये टेथिस ओशियन था बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कॉलिजन, देखो मैंने बताया कॉलिजन लिफ्टेड इट्स स्काईवर्ड, और जब मतलब गोंडवाना का ये जो कॉन्टिनेंट था जब ये क्या हुआ, जब ये इरप्ट हुआ या फटा, उस टाइम ये टेथिस ओशियन था वो किस तरफ चला गया, तिब्बत की तरफ चला गया, स्काईवर्ड्स ऊपर की तरफ, और जो कि मतलब अभी उसके जो रिमेनिंग्स है, मतलब ये जो टेथिस ओशियन है उसका रिमेनिंग अभी उसका जो अवशेष है वो किस किस में दिखाई पड़ता है, वो एक लेक जो कि एक ब्रेकिश लेक है, जो नमकीन पानी की जो लेक है उस वे में उसके रिमेनिंग आज भी दिखाई पड़ते हैं, किसके, टेथिस ओशियन के। दिस वॉज ओनली हाइव ऑफ एक्टिविटी, दिस वॉज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी, मैन एंड पिक एक्सेस एंड शोवल स्टीरिंग बैक एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शिपस्किन कॉट्स एंड सॉल्ट इनकस्टेड बूट्स। यहाँ पर दिस वॉज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी, हाइव ऑफ एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर फुल ऑफ एक्टिविटीज, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज अब वहां पर हो रही थी। क्या जो आदमी थे, मैन थे, या पिक पिकर्स, पिक पिकर्स मतलब जो जनरली पिक एक्सेस मतलब जिससे बर्फ को हटाया जाता है, एंड शोवल्स बेलचा हो गया, शोवल्स ट्यूडिंग बैक फॉर्थ, ट्यूडिंग का मतलब यहाँ पर आगे पीछे करना, बैक फॉर्थ, वो बेलचे को आगे पीछे कर रहे थे, इन देयर लॉन्ग शीप स्किन कॉट्स, और उन्हें शीप के बने हुए, शीप स्किन के बने हुए कॉट्स उन्होंने पहने हुए थे, किन्होंने, जो काम करने वाले थे उन्होंने शीप स्किन के कॉट पहने हुए थे, एंड बूट्स एंड सॉल्ट इनक्रस्टेड बूट्स, सॉल्ट इनक्रस्टेड, इनक्रस्टेड का मतलब कवर्ड बूट्स, मतलब सॉल्ट से सने हुए और नमक से सने हुए उनके जो बूट्स थे वो बूट्स उन्होंने पहने हुए थे। ऑल वॉर सनग्लासेस, और सभी ने सनग्लासेस पहने हुए थे काम करने वालों ने, द ग्लेयर, क्योंकि जो चमक थी, एज स्टीडी स्ट्रीम ऑफ द ब्लू ट्रक्स, क्योंकि जो वहां पर जो लोडिंग ट्रक्स थे, जो कि नमक को वहां पर लोडिंग ट्रक्स थे जो कि ब्लू कलर के थे, उनका जो ग्लेयर था, वो जो सनशाइन ब्लू ट्रक्स के ऊपर पड़ रहा था वो चमक रहा था, इमर्ज्ड, इमर्ज्ड का मतलब डेवलप होना, पैदा होना, फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली, मतलब जो ट्रक वहां पर खड़े थे किस चीज को लेने के लिए, नमक को लेने के लिए जो खड़े थे, तो जैसे ही सनशाइन वहां पर आता है तो रिफ्लेक्ट होकर उनकी आंखों के अंदर पड़ रहे थे, जिससे कि उनकी आंखें ब्लाइंड हो रही थी एक तरह से। व्हाइट लेक लेडन विद द पाइल्स ऑफ सॉल्ट, क्योंकि जो पाइल्स ऑफ सॉल्ट का मतलब ढेरी, क्योंकि जो सॉल्ट की बनी हुई ढेरी थी जिसको वो ट्रक लेने के लोड करने के लिए आए थे, जिसके ऊपर जो ट्रक, जैसे ही ट्रक के ऊपर मतलब वो गिरते हैं, जो सनशाइन गिरती है तो उसका जो रिफ्लेक्शन आता है उनकी आंखों की तरफ आता है, किनकी आंखों की तरफ, जो ऑथर है, सेटन है, और जो डेनियल है उनकी आंखों की तरफ, मतलब चकाचौंध कर देने वाली उनकी आंखों में, मतलब कहीं उनकी आंखों मतलब ब्लाइंड होता है, जैसे हम जनरली क्या होता है जब हम कोई चीज चमकती है तो हमें हमारी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑथर, सैटर्न और जो डेनियल है वो इस तरह की चीज को यहाँ पर अभी फिलहाल फेस कर रहे हैं, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड इन सेकंड पार्ट नंबर 2, सो टुमारो आई विल कंटिन्यू विद पार्ट नंबर 3, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।